योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस दौरान योगी का बुलडोजर रुका नहीं, थमा नहीं और तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अब बड़ी खबर सामने आ रही है सहारनपुर से। वैसे तो प्रदेश में गैंगस्टर और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार चल ही रहा है, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर सहारनपुर में हाजी इकबाल की कोठी की है। जी हाँ, वही हाजी इकबाल जो बसपा के पूर्व MLC हैं और खनन माफिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आज बसपा के पूर्व MLC हाजी इकबाल की 3 कोठियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। ये 3 कोठियाँ न्यू भगत सिंह कॉलोनी में है। हाजी इकबाल पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है, उनके परिवार पर भी लगभग 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। लगभग 3 महीने से हाजी इकबाल फरार है, तो ऐसे में योगी का बुलडोजर रुका नहीं। हाजी इकबाल की 3 कोठियाँ DM आवास की बाउंड्री से लगी है, जो हाजी इकबाल और उसके भाई पूर्व MLC महमूद अली के नाम पर है। 3 मकान का नगर निगम या प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं है। अवैध निर्माण को गिराने के संबंध में प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 3 जुलाई तक खुद अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन महमूद ने अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं कराया, जिसके चलते अवैध निर्माण गिराने के लिए आज योगी का बुलडोजर पहुँच गया। आज दोपहर से ही हाजी इकबाल की कोठियों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया था। टीम ने मकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मकान के मुख्य गेट और छज्जे को जमींदोज कर दिया गया। अधिकारियों ने ये भी बताया कि 3 कोठियों को पूरी तरह जमींदोज किया जाएगा। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। बता दें कि हाजी इकबाल और उसके परिवार से जुड़े लोगों की करीब 107 करोड़ रुपए की 125 संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश पहले ही दे दिए गए थे। बाद में इन संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। इसके बाद प्रशासन ने लगभग 400 बीघा जमीन पर कब्जा ले लिया था। थाना मिर्जापुर में गैंगस्टर सहित अन्य थानों में मुकदमे दर्ज होने के बाद SSP आकाश तोमर ने SIT गठित कर जांच तेज कर दी थी, जिसमें हाजी इकबाल के परिजन और करीबी लोगों के नाम से बेनामी संपत्तियां चिन्हित की गई थी। कुछ दिन पहले ही हाजी इकबाल और उनके भाई पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। हाजी इकबाल ने तमाम मुखोटा कंपनियां बनाकर UP की बंद पड़ी चीनी मिलें खरीदी थी। ED हाजी इकबाल की 1097 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। हाजी इकबाल के कई करीबी और सहयोगियों को पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां गिरफ्तार कर चुकी हैं। हाजी इकबाल के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किया जा चुके हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि हाजी इकबाल ने अपने करीबी और संबंधियों के नाम से भी संपत्तियां बनाई थी। यहां तक कि करीबी नौकर नसीम के नाम पर भी कई बेनामी संपत्तियां पाई गई थी। लेकिन अब जिस तरह से योगी का बुलडोजर हाजी इकबाल की कोठियों पर चल रहा है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। तो आप भी इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।